हरिओम, मैं डॉक्टर सोनाली वीरा सायगांवकर, मैं तिलक नगर उपासना केंद्र से हूँ। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक डोंबिवली में है और चेंबूर में भी प्रैक्टिस करती हूँ। मैं बापू परिवार में 2008 साल से आने लगी हूँ। मुझे बापू के बारे में जानकारी मेरे एक पेशेंट के थ्रू मिली। उसने मुझे बापू के अनुभव का विशेषांक दिया और उसने कहा, तुम ये पढ़ो, बापू सब जानते हैं, आप भी प्रे करो तो बापू सब समझ लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। धीरे धीरे मुझे बापू के उपासना और प्रवचन को आने का अवसर मिल गया। एक बार मुझे मेरे उपासना केंद्र से कॉल आया था कि तुम्हें बापू की उदी लेने जाना है, आप जाओगे क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं जाऊँगी ज़रूर। फिर मैं बापू की उदी लेने को गई थी, लेकिन मन में थोड़ा डर था कि मेरा नाम एक्चुअली नहीं दिया था, फिर भी मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं बापू के उपासना और प्रवचन को आती रही। मेरे शादी में थोड़ा विलंब हो रहा था, इसके लिए मैं सुचित दादा को आके मिली और उन्होंने मुझे बापू की उपासना दी और वो मैं कर रही थी। बापू के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में मेरी शादी तय हो गई और बहुत अच्छे पति भी मिले, वो भी बापू की उपासना करते हैं। हम दोनों भी आते हैं बापू के प्रवचन को। शादी के बाद मुझे पेट में मासिक धर्म के दौरान दर्द होता था, इसके लिए मैं दादा से ट्रीटमेंट ले रही थी। और एक दिन दादा ने कहा कि हम एक बार सोनोग्राफी करके देखते हैं। सोनोग्राफी की तो उसमें फाइब्रॉइड था, मेरे यूट्रस में, मेरे गर्भाशय में एक गांठ थी। उसके लिए दादा ने मुझे डॉक्टर विक्रम शाह, जो शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास रेफ़र किया। डॉक्टर शाह ने कहा कि हम एक बार प्रेगनेंसी का चांस लेते हैं, क्योंकि गांठ जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, तो एक बार प्रेगनेंसी रह गई तो फिर बाद में हम देख लेंगे उस गांठ का क्या करना है। फिर बापू के दादा के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने प्रेगनेंसी प्लान की और मैं प्रेग्नेंट थी। जब फर्स्ट टाइम मुझे सोनोग्राफी के लिए बुलाया था डॉक्टर ने, तभी मैं गई थी, लेकिन सोनोग्राफी में हार्ट एक्टिविटी विजिबल नहीं थी, जो 6 वीक्स के बाद दिखती है वो विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर ने मुझे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजा और उन्होंने सोनोग्राफी करके पेपर पे, रिपोर्ट पे लिख दिया कि इट इज़ अ मिस्ड अबॉर्शन। सो मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसे कुछ मेरे साथ हो सकता है। मेरी आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। मुझे सिर्फ दादा को आके मिलना था और मैंने बापू को बताया, बापू आप मेरे बच्चे को ज़िंदा करना। फिर दूसरे ही दिन मैं दादा को मिलने आई। मेरे घर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन था, वो भी मैं अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि एक माँ का दर्द और दुख वो माँ ही जान सकती है। मैं रुकी उस दिन, लेकिन दादा मुझे मिले नहीं, उनको एक अर्जेंट काम से जाना पड़ा। मैं फिर दूसरे दिन आई, दादा को मिली, दादा को बताया, दादा ऐसे ऐसे हुआ है। मुझे बहुत रोना आ रहा था। दादा ने मुझे समझाया कि तुम रोना नहीं, तुम बड़ी माँ को, मोटी आई को बताना कि जो मेरे लिए उचित है वो ही तुम करना। और सच बोलता हूँ बेटा, वो मोटी आई, वो बड़ी माँ अपने बच्चों के लिए उचित ही करती है, वो कभी अनुचित नहीं करती है। और मुझे हनुमान चालीसा का पठन करने को बताया, जितना हो सके उतना। और दादा को मिलने के बाद मुझे एक धीरज आया कि दादा ने कहा है तो वो उचित ही रहेगा, मोटी आई मुझे उचित ही देगी। फिर मैं डॉक्टर को जाके मिली, जो 2 टेस्ट बाकी थे वो किए, उसमें कंफर्म हुआ कि बच्चा ज़िंदा नहीं था और एक्चुअली इट वाज अ मिस्ड अबॉर्शन। सो वो मुझे ऑपरेट करके एडमिट होना पड़ा और ऑपरेशन करना पड़ा, उसके लिए मैं एडमिट हुई। थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हुए इसलिए मुझे उस दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज दिया गया, मैं मेरे मम्मी के घर पर चली गई। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे फिर से पेट में बहुत दर्द होने लगा और वो दर्द रुक ही नहीं रहा था। उसके लिए डॉक्टर ने बताया कि आपको यहाँ पे आके ही दिखाना पड़ेगा, आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ गई,
हॉस्पिटल में एडमिट किया गया मुझे। मेरा दर्द रुक नहीं रहा था, डॉक्टरों ने सब पेन किलर्स इंजेक्शन देके हुए, आईवी पैरासिटामोल सब जो कुछ भी दे सकते थे वो दिया। मुझे यूरिन भी पास नहीं हो रही थी, मुझे कैथेटराइजेशन करना पड़ता था। ये प्रॉब्लम मुझे प्रेगनेंसी शुरुआत से हो रहा था। फिर मैं इतनी थक गई थी वो दर्द से, मैंने बापू को बताया, बापू अभी बस, मुझे अभी जीना नहीं है, बस हुआ। फिर शाम को डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने बताया कि अभी आप डिस्चार्ज ले लो, वैसे भी पेन किलर्स बहुत दिए हैं, धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। घर पे आने के बाद रात को वो दर्द कम हुआ। फिर ठीक होने के बाद हम दादा को मिले, मैं और मेरे पति। दादा को मैंने पूछा, दादा मेरा अबॉर्शन हुआ, मेरी कुछ गलती हुई क्या? तो दादा ने कहा, अपने ऊपर दोष मत लेना, ये सब अपने प्रारब्ध के वजह से होता है, और जो उपासना तुम्हें दी गई है वो चालू ही रखना, और उल्टा ऐसे समझना कि जो उपासना तुमने की थी उसकी वजह से बड़ी माँ ने, मोटी आई ने जो कुछ भी बुरा था वो पहले ही निकाल दिया, ऐसे कहा। और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने को रखा बताया, लेकिन डॉक्टर नीतावर्ती जो सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन है उनके पास मुझे रेफ़र किया और कहा कि अभी हम उस गार्ड के लिए आगे सोचते हैं, ऑपरेट करते हैं अभी, बिकॉज़ उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर हम, मैं और मेरे पति डॉक्टर नीतावर्ती के पास गए, उन्होंने चेक किया और कहा कि ठीक है, हम अभी ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन की डेट भी फिक्स हो गई। लेकिन मुझे जो दर्द हो रहा था वो ऑपरेशन के पहले 15 दिन फिर से चालू हुआ, और उसी दौरान बापू मेरे सपने में आए। और बापू को मैंने कहा, बापू मेरा सर्जरी है, मेरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो बापू ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ चिंता मत करना, और 15-20 दिन में तुम्हारे सब तकलीफ, सब दर्द चले जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, ऑपरेशन के बाद मुझे थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन के पहले 15 दिन मेरे इतने एंटीबायोटिक्स लेके भी वो दर्द रुक नहीं रहा था। डॉक्टर को मैं फिर से जाके मिली, डॉक्टर ने बताया कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो मैं सर्जरी नहीं करूँगी। और मुझे दर्द और वो यूरिन का प्रॉब्लम इतना था कि मुझे लग रहा था मेरा सर्जरी कब होगा और कब मैं इस दर्द से छूट जाऊँगी। फिर मैंने बापू को ही कहा कि बापू अभी आप ही देखो, मुझे कुछ भी पता नहीं है, और रिपोर्ट जो कहे थे डॉक्टर ने वो सब नॉर्मल आए, और ऑपरेशन की डेट भी फिक्स हो गई। ऑपरेशन के डे जब ही मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, तभी हिस्ट्रोस्कोपी की थी, अंदर स्कोप डाल के देखते हैं, तभी उनको पता चला कि वो जो गांठ थी वो फाइब्रॉइड नहीं थी, एडिनोमायोसिस थी। एडिनोमायोसिस मतलब जो यूट्रस में ब्लड है वो मसल्स में जाके, स्नायु में जाके उसकी एक गांठ बनती है, और वो गांठ दूसरे ऑर्गन्स को भी चिपक जाती है। उसकी वजह से मेरा सिग्मोइड कोलोन, मेरा बड़ा जो अतड़ा रहता है, वो भी उसको चिपक गया था, और उसकी वजह से मुझे ये दर्द होता था जो मैं सहन नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अभी मेरे ऑपरेशन को 1 साल हुआ है, और बापू आई दादा की कृपा से मैं ठीक हूँ। दादा के पास मैं ट्रीटमेंट के लिए आती हूँ, लेकिन सब कुछ बापू के कृपा से ठीक है। ये मेरा अनुभव मैं जब याद करती हूँ, तभी मुझे नाहू तुझे प्रेमे जो महासत्संग हुआ था उसकी कुछ पंक्तियाँ याद आती है। सब सोतिया है जीवन का, अब भार तुम्हारे हाथों में, चाहे हार मिले या जीत मिले, उपहार तुम्हारे हाथों में। हरिओम अंबन्या।